दोस्तों, क्या आप भी अपने WhatsApp के अंदर दो अकाउंट चलाना चाहते हैं? यानी कि आप अपने WhatsApp के अंदर अलग अलग नंबर से दो अकाउंट चला सकते हैं एक ही WhatsApp के अंदर। हाँ दोस्तों, आप अपने एक ही WhatsApp के अंदर दो अकाउंट चला सकते हैं, जिस तरह हम Instagram के अंदर, Facebook के अंदर अलग अलग अकाउंट चला सकते हैं, एक Instagram के अंदर अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं, उसी तरह अगर आप भी WhatsApp के अंदर दो अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे WhatsApp के अंदर, एक ही WhatsApp के अंदर दो अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था कि हमें दो सिम थी हमारे पास, यानी कि दो अलग अलग नंबर हैं, तो अलग अलग WhatsApp डाउनलोड करना पड़ता था, या तो हमें WhatsApp डाउनलोड करना पड़ता था या बिजनेस WhatsApp के अंदर अलग अकाउंट बनाना पड़ता था, यानी कि एक तो WhatsApp के अंदर, एक बिजनेस WhatsApp के अंदर, और या फिर अलग से हमें WhatsApp का क्लोन वर्जन डाउनलोड करना पड़ता था, यानी कि WhatsApp का क्लोन करना पड़ता था, तब जाके हमारे दो नंबरों से अलग अलग हमारा WhatsApp बनता था। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है। WhatsApp के अंदर एक फ़ीचर्स आया है, एक ऐसा फ़ीचर्स आया है जिसके जरिए से आप अपने एक ही WhatsApp के अंदर दो अकाउंट चला सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये न्यू अपडेट है WhatsApp का, ये पहले नहीं था लेकिन अब आया है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस WhatsApp के अंदर, एक WhatsApp के अंदर दो सिम के दो WhatsApp कैसे चला सकते हैं, यानी कि अब आपको कोई डबल WhatsApp डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, ना जी WhatsApp ना बिजनेस WhatsApp, तो आप एक ही WhatsApp के अंदर Instagram की तरह दो अकाउंट चला सकते हैं। तो दोस्तों, वो कैसे कर सकते हैं आप, उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो पूरी देखनी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपना जो WhatsApp है उसको ओपन करना होगा। मैं अपने ये WhatsApp को ओपन कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ इसको ओपन करूँगा तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट वाला ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपको यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, WhatsApp अपने अंदर बहुत सारे नए नए अपडेट ला रहा है, नए नए फीचर्स ला रहा है। तो दोस्तों, WhatsApp के अंदर ये फ़ीचर्स अभी नया आया है और इसके अंदर बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। एक आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस का फ़ीचर्स दिखेगा, ये पहले नहीं था, अभी आया है, नया आया है। इसके अंदर भी आपको एक नया ईमेल एड्रेस, यानी कि इसके अंदर ईमेल एड्रेस का जो ऑप्शन है, ये भी कमाल का फ़ीचर्स है। यानी कि आप अपने मोबाइल नंबर पर जो OTP आता था WhatsApp को ओपन करने के लिए, उसको भी बगैर मोबाइल नंबर के OTP के भी आप अब ईमेल के जरिए भी OTP मांगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर्स है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आई बटन पर भी उसको मैं दे दूँगा, आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा ये फ़ीचर्स किस काम का है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं न्यू अकाउंट की, यानी कि हम अपने अकाउंट को दो अकाउंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल के अंदर दो अकाउंट या दो नंबरों से WhatsApp कैसे चला सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा ऐड अकाउंट का, तो दोस्तों यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करोगे आप, यहाँ पर एक पहले से आपका अकाउंट यहाँ पर शो हो रहा है और दूसरा अकाउंट यहाँ पर ऐड अकाउंट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, तो यानी कि यहाँ पर आपको दो अकाउंट जोड़ने के लिए यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा, जिस तरह आप इंस्टाग्राम के अंदर करते हैं। यहाँ पर एक के साथ दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, आप जितने चाहें यहाँ पर आप अकाउंट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फ़िलहाल, एक तो मेरा पहले से है, दूसरा मैं यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आपका WhatsApp इस तरह से आ जाएगा, जिस तरह फर्स्ट बार जब ओपन करते हैं तो ऐसा आता है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर नया अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, फिर जो उस नंबर से आपको WhatsApp बनाना है, दूसरा WhatsApp बनाना है, तो उस नंबर पर आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर उस नंबर को डाल देता हूँ। तो यहाँ पर नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना नंबर डाल दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर डालने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर अपना नंबर डाल दीजिए जिस नंबर से आप अपना न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं, यानी कि WhatsApp का दूसरा अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच अकाउंट, यानी कि ये अकाउंट आप इस मोबाइल नंबर पर स्विच करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इस नंबर पर इसको स्विच करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं स्विच कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप इसको स्विच करोगे वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर वेरीफाई मांगेगा मोबाइल नंबर, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा मिस्ड कॉल के जरिए से, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू करना तो यहाँ पर कंटिन्यू जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर वेरीफाई अनदर वॉइस, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर SMS के जरिए से आपकी OTP आएगी, कॉल के जरिए से यहाँ पर आप अनवेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिड यू रिसीव, यानी कि यहाँ पर OTP आएगी आपके पास।
आपके पास यहाँ पर जो OTP आएगी उसको यहाँ पर फिल करना है, यानी कि जिस नंबर पर आपके पास है वो नंबर आपको यहाँ पर उस नंबर की OTP को यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर रिक्वेस्टिंग हो रही है तो यहाँ पर चल रहा है। वैसे ये जो नंबर है मेरे वो यहाँ पर अभी वेरीफाई नहीं हो सकते क्योंकि ये सिम मेरी अभी नेट यहाँ पर मेरे बैलेंस ख़त्म हो चुका है, यानी कि नेट ख़त्म हो चुका है, इस वजह से यहाँ पर OTP आना बंद हो चुकी है अभी। तो यहाँ पर मेरा OTP नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके OTP आएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका इस नंबर का अकाउंट बन जाएगा। देख सकते हैं रॉन्ग नंबर, यानी कि यहाँ पर मेरे OTP नहीं आई है, इस वजह से यहाँ पर मेरा कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर आप अपना आप यहाँ से आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा OTP मांग रहा है यहाँ पे, यानी कि जो OTP आएगा वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर OTP आ जाता है तो यहाँ पर आपका WhatsApp ऑटोमेटिकली आपका ऐड हो जाएगा। वैसे मेरा अभी रिचार्ज नहीं है, इस वजह से मेरा यहाँ पर OTP नहीं आ रहा है, तो आपका आ जाएगा। तो इस तरह आपको OTP आते ही गिलारी आपका WhatsApp यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आपका दो WhatsApp यहाँ पर ऑन हो जाएंगे, जैसे मेरे यहाँ पर एक हो रहा है लेकिन आपके यहाँ पर दो हो जाएंगे। उसको देखने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने चलना है WhatsApp में, तो यहाँ पर 3 डॉट पर वापस जाना है, सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर अकाउंट वाला ऑप्शन है, तो ये ऊपर ऊपर आपका यहाँ पर जो नाम आएगा वहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर चेक करना है। तो मैं यहाँ पर 3 आपको एक कोने पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरा एक अकाउंट है, यहाँ पर दो अकाउंट आपके शो हो जाएंगे, आपको यहीं से दोनों अकाउंट आपको दिख जाएंगे। इस तरह से आप अपने दो अकाउंट को एक साथ मैनेज कर सकते हैं और एक साथ चला सकते हैं, यानी कि चेंज कर करके भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करके भी चला सकते हैं। और आपको आपका दो नंबर का अकाउंट है तो उसको चला ले, फिर उसको हटाना है तो यानी कि दोनों को आप अपने यहाँ पर चला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप अपने एक WhatsApp के अंदर दो WhatsApp को चला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप WhatsApp के अंदर न्यू अपडेट आया है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगा आपको ये न्यू अपडेट WhatsApp का, कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इस तरह की वीडियो लाते हैं।